अरे यार राहुल, कल तेरे फेसबुक से तू गंदी गंदी फोटोज क्यों डाल रहा था? वो इतने बेकार बेकार स्टेटस क्यों डाल रहा था? कुछ नहीं यार, मेरा ना फेसबुक हैक हो गया। एक्चुअली किसी ने मेरा पासवर्ड ले लिया था, किसी ने कहीं से हैक कर लिया और वो मेरा फेसबुक पे मेरे ही बिहाफ पे पोस्ट कर रहा है। वो गंदी गंदी फोटोज डाल रहा है, बेकार बेकार स्टेटस डाल रहा है और मेरी इमेज खराब हो रही है। ऐसा बहुत सुनते हैं ना हम, बहुत बारी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। साइबर क्राइम आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई भी आपका फेसबुक का अकाउंट हैक कर सकता है बहुत इजीली। अगर आपको भी ऐसा लगता रहता है कि कहीं मेरा अकाउंट हैक तो नहीं हो जाएगा, तो मैं राहुल भाटिया आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला है जो आपके फेसबुक अकाउंट को डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यानी जैसे ही कोई आपके फेसबुक पे लॉगिन करेगा, जो ऑथराइज डिवाइस नहीं है उससे लॉगिन करेगा आपका पासवर्ड डाल के, तो तुरंत पहले आपको SMS आ जाएगा और आपको SMS के जरिए एक कोड आएगा, वो कोड आप डालेंगे तभी लॉगिन हो सकता है। ये हुई डबल सिक्योरिटी। कैसे होगा आइए देखते हैं। आपको आपके फोन में या फिर लैपटॉप में फेसबुक खोलना है। फेसबुक खोलने के बाद आप जाएंगे ऑप्शंस में। फिलहाल मैं आपको फोन का डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। फोन में अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सेटिंग्स में जब मैं क्लिक करूँगा तो उसके अंदर एक और ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, उसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये ध्यान रखिएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है मेरे को। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर दो ऑप्शन पूछेगा। टू फैक्टर का मतलब यह है, एक आपका पासवर्ड हो गया, दूसरा फैक्टर है SMS के जरिए, क्योंकि मैं SMS पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ तो मैंने SMS सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू किया है और जो फेसबुक पे मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक SMS आएगा ये फैक्टर ऑन करने के लिए। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ये देखिए SMS आ चुका है, यही कोड मुझे एंटर करना है। ये कोड मैंने एंटर किया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए मेरा पासवर्ड दोबारा मांग रहा है, पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया और उसके बाद मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइसेस जो ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, जैसे मेरा फ़ोन हो गया या फिर लैपटॉप जिसमें मैंने पासवर्ड डाला है, उसमें SMS के ज़रिए ये इन्फॉर्म नहीं करेगा, ये SMS नहीं भेजेगा। लेकिन कोई नया डिवाइस, अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड जानता है और किसी नए डिवाइस में जो आपने ऑथराइज नहीं किया हुआ उसमें पासवर्ड डालेगा, तो आपको SMS आ जाएगा और आप अपना हैकिंग बचा सकते हो। अब आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक नहीं हो सकता, अब वो डबल सिक्योर्ड है, वो कभी हैक नहीं होगा। आप निश्चिंत हो जाइए, आप इस तरीके से जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो कीजिए और SMS जो सिक्योरिटी है उसको ऑन कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है राहुल भाटिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं और आप चाहते हैं कि उनका भी फेसबुक अकाउंट डबल सिक्योर हो जाए और कभी हैक ना हो, उनके साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए, ये बताइए वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा। और आज की क्विज ये है, आपको बताना है कि फेसबुक का मोबाइल एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ था, नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। फिलहाल थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है राहुल भाटिया और जल्दी मिलते हैं दोस्तों।